बाड़मेर जिले में बढ़ते अवैध बायोडीजल के कारोबार और जिले के पंप संचालकों द्वारा बुधवार को प्रशासन और पुलिस को दिए गए ज्ञापन के तुरंत बाद ही दूसरे दिन पुलिस हरकत में नजर आई। गुरुवार को बालोतरा में हाईवे पर अवैध बायोडीजल पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने दो बायोडीजल टैंकर जब्त करने के साथ एक को गिरफ्तार किया। बालोतरा से नील वैष्णव की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में अवैध बायोडीजल के बढ़ते कारोबार और जिले के पंप संचालकों द्वारा बुधवार को प्रशासन एवं पुलिस को दिए गए ज्ञापन के तुरंत बाद ही दूसरे दिन बालोतरा में पुलिस हरकत में नजर आई। गुरुवार को बालोतरा में हाईवे पर अवैध बायोडीजल पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने दो बायोडीजल टैंकर जब्त किए। TSP धनपुर मीणा ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर मुंगड़ा सर्किल पर एक पेट्रोल पंप के पीछे बायोडीजल भरते युवक को गिरफ्तार कर टैंकर जब्त किया गया। टैंकर में करीब 2300 लीटर अवैध बायोडीजल भरा हुआ पाया गया। टैंकर को जब्त किया, उसमें 320 लीटर अवैध बायोडीजल मिला। उस पे उसकी कार्रवाई करके 3/7 ECF का उसके खिलाफ मुंगड़ा चौराहे के पास इंडियन पेट्रोल पंप के बगल में एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप गाड़ी से, जिसके पीछे टैंकर बॉडी की जगह पर टैंकर लगा करके और अवैध बायोडीजल बेच रहा है। वहां पर मैं पहुंचा, वहां पर भी बोगस ग्राहक बना करके भेजा गया और उससे भी डीजल लिया। फिर मेरी टीम के द्वारा उसको पकड़ा। पकड़ने के पश्चात उसमें 2410 लीटर अवैध बायोडीजल हमें पाया, जिसके खिलाफ भी थाना पचपतरा में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहां मौके पर जो डीजल भरता हुआ व्यक्ति मिला, उसका नाम था जोगाराम सनम बागाराम, जाति जाट, निवासी कोकरासर, पुलिस थाना चोटन। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नाथुराम ब्राह्मण, वो पुलिस को देख करके भाग छूटा। लेकिन इसको पकड़ लिया तो इसके खिलाफ 3/7 ECF का थाना पचपतरा में मुकदमा दर्ज कराया। जैसे ही सूचना मिली हमारे द्वारा दोनों जगह पर मेरी टीम के द्वारा तुरंत मौके पर जाकर के कार्रवाई की गई और बेदस्तूर आगे भी अगर इस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस ने कालूड़ी सरहद में एक होटल के आगे बायोडीजल बेचते टैंकर में टंकी को जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया। DSP ने बताया कि मेगा हाईवे पर बायोडीजल की अवैध बिक्री व कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस द्वारा लगातार सूचनाएं एकत्रित कर आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां की जाएगी।